हे गाइस, वेलकम टू द एक्ट्रा प्रीत यूट्यूब चैनल। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वर्सेस ग्रीना फ्री फायर का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये ओपिनियन मैं अपनी तरफ से शेयर करूँगा। जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 20 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, चाहे वो फ्री फायर लवर हो या पबजी लवर, वीडियो को पूरा देखना एंड तक। चलो बात करते हैं फ्री फायर की। तो फ्री फायर लो एंड डिवाइस में भी अच्छे से चल जाता है, लेकिन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मैक्सिमम 4 GB रैम होना चाहिए तो ही अच्छे से चलता है। ये बात मुझे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बहुत बुरी लगी, बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। अब बात कर ली जाए ग्राफिक्स और कंट्रोल की। ग्राफिक और कंट्रोल्स में BGMI को कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो सामने फ्री फायर क्यों ना हो। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के ग्राफिक और कंट्रोल दोनों ही ज़बरदस्त हैं। गाइस, अब बात कर ली जाए सेंसिविटी और मोमेंट्स की, तो उसमें भी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जीतता है, क्योंकि उसमें सेंसिविटी और मोमेंट ज़्यादा अच्छी हैं फ्री फायर के मुकाबले। अब गन साउंड की बात कर ले तो उसमें भी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया विन करता है, क्योंकि उसमें गन की साउंड ज़्यादा अच्छी है। फ्री फायर में तो एक ही साउंड है सभी गन की। अब बात कर ली जाए व्हीकल्स की, तो व्हीकल्स में भी BGMI विन करता है, क्योंकि BGMI में बहुत ही ज़्यादा व्हीकल हैं, मुकाबले फ्री फायर में तो थोड़े से व्हीकल हैं। दोनों गेम ही बेस्ट है मैं तो कहता हूँ, दोनों गेम ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। जिसको फ्री फायर पसंद है वो फ्री फायर खेलता है, जिसको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पसंद है वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलता है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा।